स्वागत है आपका बीजी पथ एकेडमी पालमपुर में। मेरा नाम है अमित कुमार और मैं आपके लिए लेके आया हूँ एनालॉजी का सेशन। चलिए इसके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिस तरह घर का संबंध कमरे के साथ है उसी तरह आपको बताना है कि विश्व का संबंध किसके साथ होगा। आपके पास चार ऑप्शन ये दिए हुए हैं, जमीन, सूर्य, हवा, राष्ट्र यानी के नेशन। अगर आप में से किसी को इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका नेशन। जिस तरह घर के अंदर कमरे होते हैं उसी तरह विश्व के अंदर राष्ट्र यानी के नेशन होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, स्पर्श का रिलेशन महसूस से है, महसूस करना से है, उसी तरह आपको बताना है कि अभिवादन का रिलेशन किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है स्माइल यानी के मुस्कान। दूसरा आपके सामने ऑप्शन रहेगा एक्नोलेज यानी के स्वीकार करना। तीसरा ऑप्शन है सक्सेस यानी के सफलता। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास शिष्टाचार यानी के मैनेजर। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, जिस तरह अच्छा का संबंध है बुरा से तो आपको बताना है कि छत का संबंध किससे होगा। इसमें ये अपोजिट वर्ड दे रहा है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही ऑप्शन रहेगा आपका फ्लोर यानी के फर्श। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि शेर का संबंध है बांध से तो उसी तरह आपको बताना है कि खरगोश का संबंध किससे होगा। आपके पास ये चार ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है होल यानी के छेद। दूसरा ऑप्शन है आपके पास गड्ढा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास बिल। और लास्ट ऑप्शन है आपके पास खाई। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही ऑप्शन है आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जिसमें आपको बताना है कि अनूठा का संबंध है पुरानापन से तो आपको बताना है कि नयापन का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे, आदर्श। दूसरा ऑप्शन है आपके पास पूरा थोड़ा पुरातनता। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास खोज। लास्ट ऑप्शन है आपके पास संस्कृति। जिसको इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है डिस्कवरी यानी के खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, डिटेक्टिव का संबंध है इन्फॉर्मर से तो आपको बताना है कि रिपोर्टर का संबंध किससे होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सूत्र। दूसरा ऑप्शन है एडिशनल यानी के संपादकीय। तीसरा ऑप्शन है समाचार। चौथा ऑप्शन है निबंध। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यानी के सूत्र इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विशुद्धता का संबंध है प्रमाणिक से, आपको बताना है कि मृग तृष्णा का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है भ्रम। सेकंड ऑप्शन है आपके पास बिंब। थर्ड ऑप्शन है आपके पास गुप्त ग्रह। लास्ट ऑप्शन है आपके पास परावर्तन। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर है भ्रम। जिस तरह विशुद्धता का संबंध है प्रमाणिक से उसी तरह मृग तृष्णा का संबंध रहेगा आपका भ्रम के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वनस्पति विज्ञान का संबंध है पौधे से, उसी तरह आपको बताना है कि कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा। आपको बताना है कि कीट विज्ञान का संबंध किससे रहने वाला है। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है पक्षी। सेकंड ऑप्शन है पौधे। थर्ड ऑप्शन है आपके पास कीड़े। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है सर्प।
जिसको इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है कीड़े। जिस तरह वनस्पति विज्ञान में पौधे के बारे में हम पढ़ते हैं, उसी तरह कीट विज्ञान में कीड़े के बारे में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, पार्लियामेंट का संबंध है ग्रेट ब्रिटेन से, आपको बताना है कांग्रेस का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है जापान, सेकंड ऑप्शन है आपके पास भारत, थर्ड ऑप्शन आपके पास है यूएस से यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास नीदरलैंड। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, मनोविज्ञान का संबंध है मन से, तो आपको बताना है कि पक्षी विज्ञान का संबंध किससे रहेगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है देववाणी, सेकंड ऑप्शन आपके पास सिक्का, थर्ड ऑप्शन आपके पास है स्तनधारी, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास चिड़िया। मनोविज्ञान का संबंध है मन से, तो पक्षी विज्ञान का संबंध होगा वर्ड से यानी के पक्षी से। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अत्यधिक का संबंध है अति मात्रा से, तो आपको बताना है कि कपटी का संबंध किससे होगा। ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है मनोहर, सेकंड ऑप्शन है कुत्सित, थर्ड ऑप्शन है आपके पास अस्त व्यस्त, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास स्थाई। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर है आपके पास कुत्सित यानी के कंजर्वेटिव। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें मदर का संबंध चाइल्ड से दिया हुआ है, मतलब मां का संबंध है बच्चा से, आपको बताना है क्लाउड का संबंध किससे रहेगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है चमकना, सेकंड ऑप्शन है आपके पास पानी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास वर्षा, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास मौसम। जिस किसी को भी इसका सही आंसर पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वर्षा यानी के रेन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसमें क्या करना है, बुक का संबंध है पब्लिशर से, तो आपको बताना है फिल्म का संबंध किससे रहेगा, यानी कि पुस्तक का संबंध है प्रकाशक से, फिल्म का संबंध बताना है किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे, फर्स्ट ऑप्शन है लेखक, सेकंड ऑप्शन है आपके पास संपादक, थर्ड ऑप्शन है आपके पास निर्देशक, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास प्रोड्यूसर यानी के निर्माता। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर है आपके पास डायरेक्टर यानी के निर्देशक। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मेन्यू का संबंध है फूड से, तो आपको बताना है कि कैटलॉग का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है बुक यानी के पुस्तकें, सेकंड ऑप्शन है लाइब्रेरी यानी के पुस्तकालय, थर्ड ऑप्शन आपके पास है न्यूज़पेपर यानी के अखबार, और लास्ट ऑप्शन आपके पास है रैक। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है पुस्तकालय। तो पुस्तकालय, सॉरी पुस्तक इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15, इसमें ढांचा का संबंध है मकान से, आपको बताना है कि अस्थि पंजर का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके सामने ये है, फर्स्ट ऑप्शन है पसली, सेकंड ऑप्शन है आपके पास शक्ल यानी कि खोपड़ी, थर्ड ऑप्शन है आपके पास शरीर यानी कि बॉडी, और लास्ट ऑप्शन है आपके पास ग्रेस यानी कि लावण्य। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है बॉडी यानी के शरीर। जिस तरह ढांचा का संबंध होता है मकान से, उसी तरह अस्थि पंजर का संबंध होता है शरीर से यानी के बॉडी से। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, टेस्ट का संबंध है टंग से यानी के स्वाद का संबंध है जीभ से,
आपको बताना है कि बाक का संबंध किससे रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है पटरी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास बैसाखी, थर्ड ऑप्शन आपके पास है लेग्स और लास्ट ऑप्शन आपके पास है छड़ी यानी के वॉकिंग स्टिक। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, लेग यानी के टांगे, इसका क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चिमनी का संबंध है स्मोक से, मतलब कि चिमनी का संबंध है धुआं से। आपको यह बताना है क्वेश्चन में कि किसका संबंध किसके साथ है। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बंदूक यानी के गोली, सेकंड ऑप्शन आपके पास है घर यानी के छत, थर्ड ऑप्शन आपके पास है चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी का संबंध है मृतिका से। तो उसी प्रकार आपको ये देखना है कि चाय का संबंध केतली से दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, गन का संबंध है बुलेट से यानी कि बंदूक का संबंध रहेगा गोली से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर का संबंध है रीडर से। आपको ये बताना है कि ब्रेड का संबंध यानी कि रोटी का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है गेहूं, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहा है खरीदार यानी कि वायर, थर्ड ऑप्शन आपके पास ये रहा कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता, लास्ट ऑप्शन आपके पास है वेकर। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आइस का संबंध है कोल्डनेस से, उसी तरह आपको बताना है कि अर्थ का संबंध किससे होगा। आपको दिया गया बर्फ का संबंध है शीतलता से, उसी तरह पृथ्वी का संबंध किससे रहेगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है भार, सेकंड ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, थर्ड ऑप्शन आपके पास है जंगल और लास्ट ऑप्शन आपके पास है समुद्र यानी कि सी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहने वाला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका गुरुत्वाकर्षण। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। आपको दिया गया है कि मकान का संबंध है किराया से, तो आपको बताना है पूंजी का संबंध किससे होगा। चार ऑप्शन आपके पास ये रहे। फर्स्ट ऑप्शन है ब्याज, सेकंड ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, थर्ड ऑप्शन है आपके पास कंट्री यानी कि देश और लास्ट ऑप्शन आपके पास है धन यानी कि मनी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। सो गाइस आज के लिए इतने ही क्वेश्चन लेके आया था मैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी वीडियो शुरू से लेके एंड तक, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो।